मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है जमालपुर रौनक फ्राई सेंटर का तवा चाप मसाला। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और लोग इसे दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। भुना चाप मसाला के लिए ये हमने 300 ग्राम चाप लिए और ये चना बोटी लिए यानी कीमा है जिसको बड़ा बड़ा करवा लिया। ये मैंने 100 ग्राम लिया। 2 चौक की हुई प्याज है, 2 चौक की हुए टमाटर है, 3 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 4 हरी मिर्च है, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला है, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और उसके ऊपर एक कुकर रखा है। कुकर के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल गरम करने के लिए रखा है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमें लाइट पिंक करना है। प्याज हल्के से ब्राउन हो चुकी है यानी गुलाबी हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जितना पानी डाल दिया। 2 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्च कटी हुई है इसे भी डाल देंगे। जीरे का पाउडर और तंदूरी मसाला इसे भी डाल देंगे। और ये जो सारे सूखे मसाले हैं इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही चाप और चना बोटी यानी कीमा भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 टेबल स्पून जितना। इन सबको हमें 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। चाप को 5 मिनट के लिए हमने अच्छे से भून लिया, ये देखिए। अब हम इसमें 1 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे। पानी को अच्छे से मिला लें। कुकर का ढक्कन ढक देंगे और लगभग 4 सीटी इसके ऊपर लाएंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम से स्लो ही रखें। 10-12 मिनट हो चुके और कुकर में 4 सीटी हो गई और कुकर अपने आप ही ठंडा हो गया। अब हम इसे खोलेंगे। ये देखिए चाप को हमने 90% गलाया है यानी पूरी तरीके से हमने इसको नहीं गलाया। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। ये हमने एक बड़ा तवा इसको गर्म करने के लिए रखा है। अगर आपके पास तवा नहीं हो तो आप कोई कढ़ाई भी ले सकते हैं या रोटी बनाने वाला तवा भी ले सकते हैं। इसको हल्का सा हमने गर्म करा है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, लगभग 1 टेबल स्पून जितना ऑयल है। अब हम इसमें से चाप के जो पीस है वो निकाल लेंगे और तवे पर डाल देंगे। हमें इसमें सूप नहीं डालना है, खाली चाप के जो पीस है यानी मटन के पीस, चाप के पीस वही डालने। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और चाप को अच्छे से भून लेंगे। हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है और इसको हमें 4-5 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनना है। ये देखिए चाप को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके। अब हम चाप को साइड में रख देंगे और इसका बचा हुआ सूप है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको भूनेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना है, थोड़ा सा ऑयल डालें। फिर से दूसरा मसाला डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों को भूनते हुए 15 मिनट हो गए। हमने थोड़ा थोड़ा मसाला डाला और थोड़ा सा तेल भी डाला, लगभग 2-3 टेबल स्पून हमने इसमें और ऑयल डाला। ये देखिए मसाले कितने अच्छे भुने। आप कभी भी रौनक फ्राई सेंटर या कोई भी फ्राई सेंटर में जाए वहाँ पर जाके चेक करें कि वो सब्ज़ी एक बार बना के रख देते और इसी तरह से मसाला डाल डाल के भूनते और उसी से वो इतना बढ़िया टेस्ट आता है, बिल्कुल तवे जैसा। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया और मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और हरा धनिया डालेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए अहमदाबाद के रौनक फ्राई सेंटर जैसा तवा चाप मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ी सी भूनने में मेहनत होती है लेकिन बहुत बढ़िया लगता है।
400 की प्लेट आपको घर में सिर्फ 100-150 रुपए में पड़ेगी। तो एक ट्राई तो ज़रूर कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।